दलितों को लेकर हो रही राजनीति के मायने क्या हैं? क्या दलितों के बहाने 2019 साधना चाहते हैं नेता? SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए बदलाव के खिलाफ सियासत चरम पर है। दलित संगठनों के देश भर में हिंसक प्रदर्शनों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है, बावजूद इसके सभी दल अपने अपने तरीके से 2019 के चुनाव के लिए दलितों को साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीधे संघ, बीजेपी और पीएम मोदी से जोड़ दिया है। संघ और बीजेपी के DNA पर सवाल उठाते हुए राहुल ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS बीजेपी के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वो हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि राहुल को जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान सामने आए। दोनों ने भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में हुई देरी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी जहां खुद को दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने में जुटी है, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि कोर्ट के फैसले का मुखालफत करने वाले सबसे ज्यादा बीजेपी के ही सांसद हैं। रामविलास पासवान और थावरचंद गहलोत समेत कई सांसद इस मुद्दे पर पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर है दलितों को लेकर नेताओं की चिंता जायज भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत में दलितों की बड़ी भूमिका रही। बीजेपी ने इस चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल 84 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें यूपी की सभी 17 सीटें शामिल थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इसके बाद जिन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई वहां कुल 70 रिजर्व्ड सीटों में से 41 पर जीत दर्ज की। वहीं दलितों की राजनीति करने वाली मायावती सरीखे नेता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ये कह सकते हैं कि दलित जिधर गए जीत उसी की हुई। विपक्ष को इस बात का इल्म हो गया है कि अगर 2019 में बीजेपी को हराना है तो दलितों को लुभाना ही होगा। यही वजह है कि इस मौके को सभी दल अपने अपने हिसाब से भुनाने में जुट गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।